अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। स्टे होम, स्टे सेफ। नाउ वी विल स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 7। कल हम लोगों ने रीडिंग की थी के की, और के की फोनिक साउंड थी क। के का कैंगरू। आज हम लोगों का नेक्स्ट अल्फाबेट है एल। एल ल लैम। एल की फोनिक साउंड होती है ल। एल ल लैम। एल ल लैम। तो बच्चे पढ़े, एल ल लैम। दोबारा रिपीट करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से याद हो सके। एल ल लैम। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने रीडिंग तो मुकम्मल कर ली। चलें आए अब हम लोग राइटिंग स्टार्ट करते हैं। सो ओपन द पेज नंबर 29। चलें पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। आप सब बच्चे बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा अल्फाबेट है? ये है सी। क्या है? सी। और सी की फोनिक साउंड मैंने क्या बताई थी? ख। सी ख काओ। सी ख काओ। सी ख काओ। सी ख कॉर्न। सी ख कॉर्न। सी ख कैट। सी ख कैट। सी ख कैप। सी सी ख कैप। नाउ स्टूडेंट्स, रीडिंग तो हम लोगों ने कर ली मुकम्मल। चले अब राइटिंग की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले डॉट पे पेंसिल रखनी है, और फिर ये जो डॉट्स हैं इनके ऊपर नीटली ट्रेसिंग करनी है आराम आराम से, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ऐसे ये क्या है? सी। और सी की फोनिक साउंड होती है ख। अब आप दोबारा इसको लिखिए। आपने इन डॉट्स के ऊपर आराम आराम से और नीटली लिखना है। ये क्या बन गया? सी। और सी की फोनिक साउंड होती है ख। आए एक बार फिर लिखते हैं सी को। आप लोगों ने आराम आराम से डॉट्स के ऊपर नीटली लिखना है। ये क्या बन गया? सी। सी ख। अब देखिए, आपको आपके पेज पे किसी किसी जगह जो सिंगल डॉट नज़र आ रहा होगा, उन डॉट्स पे आपने सी को खुद से लिखना है। कैसे लिखेंगे चले आए देखते हैं। डॉट पे पेंसिल रखिए, और आप एक कर्व लाइन थर्ड लाइन तक ड्रॉ कीजिए। ये क्या बन गया? सी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी बुक के टॉप पे आज की डेट लाजमी मेंशन करनी है। आज है 15 जुलाई, और HW। होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज के लेक्चर के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इन तमाम पिक्स में अच्छे से नीट नीट कलर करने हैं, और ये पेज राइटिंग करके इसको मुझे कल सेंड कर देना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।